दोस्तों 2019 कई मायनों में खास रहा है, फिर वो चाहे बात हो एडवांस गैजेट की या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। इस साल हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिला है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में बताया जाए जिन्होंने 2019 में काफी ज्यादा धमाल मचाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट न्यू टेक गैजेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर, JBL Pulse 4। दोस्तों अगर आपका मूड हो स्पीकर्स को परचेज करने का तो JBL के इन पोर्टेबल स्पीकर्स को एक बार जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों JBL के साउंड से तो आप पहले से ही वाकिफ हैं, लेकिन अगर बात करी जाए इसके लुक की तो ये बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। इन स्पीकर्स के फ्रंट सेक्शंस पे LED लाइट्स लगी होती है जो की मल्टी कलर RGB होती है, जिन्हें आप इसके साथ मिले JBL कनेक्ट ऐप से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। साथ ही ये म्यूजिक की थीम के हिसाब से भी रिएक्ट कर सकती है, जो की देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर बात करी जाए तो ये साइज में बेहद छोटे होते हैं और साथ ही तरीके से वाटरप्रूफ भी, यानी कि आप इन्हें किसी भी सिचुएशन में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी JBL का मजा लेना चाहते हैं तो एक बार इन स्पीकर्स को ट्राई करके जरूर देखिएगा। हैंडहेल्ड स्मार्ट डिशवॉशर। दोस्तों बर्तन धोना किसे अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप भी इस काम से बोर हो गए हो तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों इस गैजेट को तैयार किया गया है हाथों से बर्तन को धुलने के लिए, जिससे कि आप आसानी से प्लेट्स और बाउल्स वगैरह को साफ कर पाएंगे। इसमें एक छोटी सी मोटर लगी होती है और साथ ही इसमें स्टैंडर्ड साइज के प्लेट एंड बाउल्स आसानी से धुले जा सकते हैं। इसकी सबसे खास बात होती है इसकी डिजाइन, जिसमें कि किसी भी साइज के प्लेट्स और बाउल्स को लगाया जा सकता है। इसके पूरे ग्रिप्स पर ब्रशेस लगे होते हैं, जिससे कि प्लेट या बाउल जब उसमें रोटेट करे तो वो अच्छे से साफ हो जाए। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपके किचन में, जिससे कि आप आसानी से बर्तन धुल सकते हैं। LED ग्लोइंग शूलेस। दोस्तों मार्केट में काफी सारे शूज आ गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए शू लेसेस की तो उसमें बहुत समय से कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक ऐसी लेसेस ट्राई करना चाहते हैं जो कि दूसरों से थोड़ी सी हटकर हो, तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगी होती है मल्टी कलर LED लाइट्स जो कि इसे पूरी तरीके से चमका देती है। यानी कि जिस भी शूज के साथ आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो शूज काफी ज्यादा ग्लो करेंगे। वहीं इन लेसेस के पास लगा होता है इनका एक छोटा सा कंट्रोलर, जिससे कि आप इसके कलर्स वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में, और वहीं कहीं ना कहीं ये लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा आपकी तरफ। ईरिको ड्रमी पोर्टेबल वॉशिंग मशीन। दोस्तों ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग घर में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन वो एक पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। लेकिन अगर बात करी जाए इसकी तो ये एक मैनुअल गैजेट होता है, यानी कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसे कि आप मैनुअली चला सकते हैं, यानी कि इसे चलाने के लिए आपको बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा गैजेट होता है जो कि आपकी पैरों की एक्सरसाइज के साथ साथ आपके कपड़ों का भी ख्याल रखता है। इसमें आप डिटर्जेंट वगैरह को डालकर आसानी से पैडल करते हैं, जिसके बाद आपके कपड़े खुद धुल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा मजेदार होता है ना सिर्फ इस्तेमाल करने में बल्कि आपके कपड़ों को भी बहुत ही अच्छे से साफ करता है। तो अगर आप भी कहीं ऐसी जगह रहते हो जहां पर वॉशिंग मशीन आप परचेज नहीं कर सकते या फिर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ये कीमत में काफी ज्यादा सस्ता होता है और इससे धुलने वाले कपड़े बेहद चमकदार होते हैं। एक्यूमोबिलिटी बैक रोलर। दोस्तों अक्सर ऑफिसर्स वगैरह में अगर आपको काफी देर तक एक ही चेयर पर बैठना पड़ जाए तो बैक में काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे बैक की मसल्स एकदम सुन्न पड़ जाती हैं, जिससे कि उनमें ब्लड फ्लो आसानी से नहीं हो पाता, जो कि आगे चलकर काफी बड़ी बड़ी बैक की प्रॉब्लम्स का भी रूप ले सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का, जो कि आपकी एक अच्छी खासी मसाज कर देगा। और इस गैजेट की खास बात तो ये होती है कि इसे यूज करने के लिए आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप आसानी से ही इसमें रोल कराकर इसे यूज कर पाएंगे। ये आपकी मसल्स में ब्लड फ्लो को रिलीज करता है, जिससे कि आप नॉर्मली अपने काम को कर पाए। तो इस तरीके का गैजेट सेहत के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। क्लिक चेयर। दोस्तों अगर आपको भी बीच पार्टिंग या कैंपिंग वगैरह पसंद हो तो इस तरीके का गैजेट खास आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है ऐसी जगह पर ले जाने के लिए। ऐसे में आप चेयर्स वगैरह को अपने साथ ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर बात करी जाए इस गैजेट की तो ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि आप यकीनन इसे अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे। दरअसल ये एक अम्ब्रेला की तरह होता है, जिसे कि आप इंस्टेंट आसानी से ओपन कर सकते हैं और कहीं भी एक पोर्टेबल चेयर के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों आप इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल रेलवेज वगैरह में कर सकते हैं, जहां आपको सीट ना मिले, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये है तो आपको बैठने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। एम्बर वेव ब्रेसलेट।
दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी या कभी बहुत ज्यादा सर्दी। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारी बॉडी होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से रिएक्ट करती है। तो अगर आप भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का। दरअसल घड़ी की तरह दिखने वाला गैजेट ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, जिससे कि आप अपनी बॉडी की सेंसेशंस को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि गर्मी सर्दी जैसे एहसास आपको इस गैजेट की मदद से महसूस होंगे, जिन्हें कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो आप अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही हो तो ये कॉफी की तरह आपको गर्माहट देगा। तो मौसम के हिसाब से अपनी बॉडी को बनाने के लिए आप इस तरीके के गैजेट को एक बार ट्राई कर सकते हैं। स्मार्ट डोर डेंट पैनल्स। दोस्तों अगर आप अपनी कार को पार्किंग वगैरह पर कहीं लगा जाते हैं और अगर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हो तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की ठोकर दूसरों की गाड़ियों से लगी जाती है, और अक्सर ऐसा देखा भी गया है कि अगर आपकी कार के बगल में एक कार पार्क हो और वो अपना गेट खोले तो वो बहुत ही लापरवाही के साथ अगर ओपन करता है तो हल्के फुल्के डेंट आपकी गाड़ी पर भी आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। दोस्तों देखने में तो ये एक मैट जैसा लगता है, लेकिन इसे अपनी कार की बॉडी पर लगा सकते हैं, जिससे कि इस तरीके के केसेस में आपकी कार पर डेंट नहीं आएंगे। वहीं इसके साथ आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी मिलता है, जिसे कि आप अपनी कार के अंदर डाल के लॉक कर सकते हैं, जिससे कि इस गैजेट को कोई निकाल ना पाए आसानी से। तो दोस्तों ये गैजेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी कार की बॉडी की सेफ्टी के लिए, तो आप भी चाहें तो एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं। क्रैप प्रोटेक्ट एक्सट्रीम क्लीन। दोस्तों अगर आप भी रेगुलरली शूज या स्नीकर्स का इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए ये गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लगातार इस्तेमाल करने से वो बहुत ही ज्यादा गंदे हो जाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस केमिकल की मदद से आसानी से उसे साफ कर सकते हैं, जो कि एकदम आपके शूज को नया जैसा बना देगा। इसके साथ आपको एक पूरी किट मिलती है जो कि शू क्लीनिंग में आपकी मदद करेगी, और इसे यूज करना भी बेहद आसान होता है। इसके साथ दिए गए केमिकल को आप ब्रशेस में लगाकर आसानी से शूज को साफ कर पाएंगे। तो अगर आपके शूज भी काफी ज्यादा गंदे हो जाते हो तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि शू क्लीनिंग में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। एलएमवी फ्लाइंग बाइक। दोस्तों अगर बात करी जाए फ्यूचर की, तो आपको ये देखकर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्या आपने सोचा है कि फ्यूचर में बाइक्स हवा में उड़ेंगी? तो यकीनन कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों देखने में तो ये एक नॉर्मल बाइक जैसी लगती है, जो कि थोड़ी सी आपको हैवी इंजन वाली लगेगी, लेकिन इसमें चार जेट इंजन लगे होते हैं जिनकी मदद से आप हवा में उड़ सकते हैं। ये जेट इंजन साइज में छोटे होते हैं, लेकिन आपकी बाइक को हवा में उड़ाने के लिए काफी है। इस बाइक के साथ कहीं भी जाना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे ट्रैफिक वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं, और साथ ही इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहेगी किसी भी बाइक को देखते हुए। तो दोस्तों फ्यूचर में हो सकता है इस तरीके की गाड़ियां आपको हवा में उड़ती हुई दिख जाए। स्क्रीबिट। दोस्तों अगर आपको अपने कमरों की दीवारों में काफी सारी डिजाइन या स्टिकर्स लगाने का शौक हो तो एक बार आप इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा रोबोट होता है जो कि आपकी दीवार पर खुद ब खुद डिजाइन बनाता है और उसे साफ कर देता है। नॉर्मली अगर आप पेंटिंग्स वगैरह दीवार पर लगाते हैं तो वो एकदम फिक्स होती है, यानी कि आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते जल्दी जल्दी। लेकिन अगर बात करी जाए इस गैजेट की, तो इसके साथ आपको एक ऐप कंट्रोल भी मिल जाएगा, जहां पर आप अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स को बना सकते हैं और आप जब चाहें उन्हें इरेज भी कर पाएंगे। तो इस तरीके का रोबोट आपके कमरे को थीमेटिक रूप से डिजाइन करने में भी काफी ज्यादा काम आ सकता है, जहां पर आप अपने मूड और सिचुएशन के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। ग्रेव स्टार स्पीकर्स। दोस्तों अगर आप पार्टीज वगैरह के लिए एक डिफरेंट टाइप के स्पीकर की तलाश में हो तो एक बार इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये देखने में तो एकदम रोबोटिक टाइप का लगता है, जो कि काफी ज्यादा पसंद आएगा आपको। लेकिन अगर बात करी जाए इसकी साउंड की, तो वो भी काफी ज्यादा हाई बेस रहती है, जो कि पार्टीज वगैरह में एंजॉय के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। साथ ही आप इसे ब्लूटूथ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मोबाइल से पेयर कराकर। वहीं इसमें माइक्रो एसडी स्लॉट्स भी होते हैं, जिससे कि आप मेमोरी कार्ड वगैरह से भी इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अगर बात करी जाए ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, जिससे कि आप इसे एज अ शोपीस भी इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं इसके अंदर एक लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। दोस्तों आप इन स्पीकर्स के पेयर को इस्तेमाल करके एक बहुत ही बेहतरीन साउंड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको थिएटर वगैरह में साउंड सुनने को मिलती है, ये ठीक उसी तरीके की क्वालिटी आपको अवेलेबल कराता है आपके घर पर। अल्फावाइज रोबोट वैक्यूम क्लीनर।
दोस्तों अगर आप घर की सफाई के लिए एक क्लीनिंग रोबोट परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ना सिर्फ नॉर्मल रोबोट होता है बल्कि एक इंटेलिजेंट रोबोट होता है जो कि एडवांस एल्गोरिथम की मदद से आपके घर को एक सिस्टमेटिक वे में क्लीन कर सकता है। अगर बात करी जाए इसके फीचर्स की तो ये सबसे पहले तो रूम को स्कैन करता है, जिसके बाद एक सिस्टमेटिक क्लीनिंग शुरू करके पूरे कमरे को एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक आसानी से साफ कर सकता है। वहीं इसकी बॉडी में एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं जिससे कि ये दीवार पर टकराता नहीं है और रास्ते में फर्नीचर वगैरह आने पर ये बहुत ही आसानी से मुड़कर उसके नीचे भी जाकर साफ कर सकता है। इसके साथ आपको एक चार्जिंग डॉक भी मिलता है और बैटरी जैसे ही इसमें कम होती है ये खुद ब खुद अपने चार्जिंग डॉक पर जाकर चार्जिंग पर लग जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वे में आपकी घर की सफाई कर सकता है। वॉलाबॉट DIY। दोस्तों दीवारों के पीछे काफी सारे पाइप्स और वायरिंग्स वगैरह होती हैं और अगर आपको ड्रिल करना हो तो कभी कभी अंदाजा नहीं लग पाता और गलत ड्रिल हो जाती है जिससे कि वायर्स वगैरह कट सकती हैं और आपका काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस एडवांस गैजेट का जो कि आपकी दीवार को स्कैन करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसे आप अपने मोबाइल फोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बात करी जाए स्कैनिंग में ये एकदम परफेक्ट रहेगा क्योंकि ये एकदम लाइव फुटेज आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल कराता है जिससे कि ड्रिल करते समय या किसी लीकेज वगैरह को ढूंढने में आप इसकी मदद ले पाएं। सिटी पैक जेन चेयर। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि बसेस और ट्रेन में आपको बैठने की जगह नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से आपको उनमें खड़े होकर सफर करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं अपनी एक पोर्टेबल चेयर हमेशा अपने पास रखना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का। दोस्तों साइज में ये इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आप इसे अपनी जींस की पॉकेट में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए इसके यूजर्स की तो वो काफी ज्यादा कमाल के रहेंगे। इसे आप आसानी से ओपन कर सकते हैं और जहां चाहें ये आपके लिए एक चेयर की तरह तैयार हो जाएगी जिसमें आप आसानी से टिक कर खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो कि आपको चेयर ना मिलती हो और आपको घंटों खड़े रहना पड़ता हो तो उससे बेहतर है कि आप इसे एक बार ट्राई करके देखें। लूमी कीबोर्ड। दोस्तों अगर आप भी म्यूजिक का शौक रखते हैं तो आपको ये गैजेट एक बार यकीनन ट्राई करना चाहिए। दोस्तों कीबोर्ड बजाना तो सभी को पसंद होता है लेकिन उसे बजाना उतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है। लेकिन अगर आप उसे बजाना सीखना चाहते हैं तो ये गैजेट आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा जिससे कि आप डिजिटली वे में कीबोर्ड बजाना सीख सकते हैं। इसके साथ आपको एक इसका स्मार्टफोन ऐप मिल जाता है जिसे आप टैबलेट वगैरह पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर ग्राफिकल ट्यूटोरियल से आप आसानी से कीबोर्ड बजाना सीख जाएंगे। इस कीबोर्ड की खास बात ये होती है इनमें बटन्स भी ग्लो करती हैं जिससे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है इसे सीखने में। वहीं इस तरीके के गैजेट्स को आप आपस में ज्वाइंट करके एक बड़े कीबोर्ड को भी बना सकते हैं जो कि एकदम प्रोफेशनल लगेगा देखने में। डॉली वन। दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर या यूट्यूबर वगैरह हैं तो आपके लिए ये गैजेट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर एक यूट्यूबर को काफी सारी स्लाइड्स वगैरह निकालनी पड़ती हैं अपनी वीडियोस के लिए, लेकिन जिसके लिए वो नॉर्मली तो स्लाइडर्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हर जगह आप स्लाइडर यूज नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आ सकता है। ये आपके लिए एक ऐसे यूनिवर्सल स्लाइडर की तरह काम करेगा जिसमें आप किसी भी टाइप के कैमरे को लगा सकते हैं और ये अलग अलग तरीके से खुद ब खुद रोटेट हो सकता है जिससे कि आप एक स्टेबलाइज्ड वीडियो शूट कर पाएं। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है एक यूट्यूबर या किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए जहां पर वो अपनी वीडियो को एकदम परफेक्ट वे में शूट कर सकता है। वियर बड्स। दोस्तों अगर आप ईयरबड्स परचेस करने वाले हो तो पहले इस गैजेट को जरूर देख लीजिएगा। दरअसल ईयरबड्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा कम होती है। आप नॉर्मली 2 से 3 घंटा इस्तेमाल करने के बाद आपको फौरन उन्हें चार्जिंग केस में रखना होगा जिससे कि वो दोबारा रिचार्ज हो सके और साथ ही उनके चार्जिंग केस को कैरी करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है और वो अक्सर खो भी जाया करते हैं। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट का जो कि वैसे तो एक फिटनेस वॉच होता है लेकिन ये आपके ईयरबड्स को भी कैरी करने का काम करेगा जहां पर आप अपनी ईयरबड्स को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। वहीं इसके साथ मिलने वाली वॉच एक फिटनेस ट्रैकर की तरह भी काम करेगी जिसमें कि हार्ट रेट सेंसर, स्टेप काउंटर जैसे एडवांस फीचर्स इनबिल्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी सेहत को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। चॉप बॉक्स।
दोस्तों अगर आप अपने किचन के लिए एक एडवांस गैजेट की तलाश में हो तो एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये एक लकड़ी का बना हुआ पैड होता है जहां पर आप फलों और सब्जियों को काट सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी मशीन भी लगी होती है जिससे कि आप उनके वजन को भी कर पाएंगे। साथ ही इसमें टाइमर जैसे फीचर्स भी दे रखे होते हैं जिससे कि आपको किचन में काम करते समय टाइम का अंदाजा होता रहे, जो कि कुकिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होने की वजह से आप इसे आसानी से धो भी सकते हैं और इसमें नीचे की तरफ लगी होती है एक ट्रे जो कि मल्टीपर्पज यूज के लिए बनी होती है। तो इस तरीके के एडवांस गैजेट को आप अपनी किचन में रखकर अपने काम को और भी ज्यादा आसान बना सकते हैं। सीजर स्कैनर। दोस्तों स्कैनर हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है जिससे कि हम आसानी से डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर बात आए उसका एक लिमिटेड साइज होता है, यानी कि आप एक लिमिटेड साइज के डॉक्यूमेंट को ही स्कैन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके का स्कैनर जो कि किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को आसानी से स्कैन कर सकता है। अगर बात करी जाए ये बहुत ही ज्यादा साइज में छोटा होता है जिसे आप आसानी से यूज कर पाएंगे। इसके साथ आपको एक इसका ऐप कंट्रोल फीचर भी मिल जाता है जो कि सारे स्कैन किए गए को आपके ऐप पर भी पहुंचा देगा, जिससे कि आप उसे मन चाहे फॉर्मेट में रख सकते हैं और वहीं अगर आप चाहें तो उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके का प्रिंटर के लिए एक लाइक तो दोस्तों बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताए वो टॉप गैजेट जिन्होंने 2019 में काफी ज्यादा धमाल मचाया। तो आपको ये गैजेट्स कैसे लगे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और इसी तरीके से न्यू टेक गैजेट को सपोर्ट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।